महिलाओं के प्रति आजम खान की सोच कितनी घटिया है, इसका नमूना आप पिछले लोकसभा चुनाव में देख चुके थे, जब उनकी सहयोगी रही जया प्रदा के अंतरंग वस्त्रों का वो रंग बताने लगे। दोस्तों, आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनको राजनीति का बहुत गहरा एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने महिलाओं के प्रति जो उनकी धारणा है वो कितनी अमर्यादित है, कितनी घटिया है, इस बात का सबूत उन्होंने लोकसभा में दिया। उन्होंने रमा देवी पर एक अभद्र टिप्पणी कर डाली और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने उस टिप्पणी के लिए माफी तक नहीं मांगी। अखिलेश यादव भी उनका साथ देते नजर आए और पूरे सदन में उनका बचाव करते रहे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उस वीडियो को जरूर देखा होगा, आजम खान की उस अभद्र टिप्पणी को जरूर सुना होगा। क्या आपका मानना है कि किसी महिला के प्रति इतनी अभद्र अशोभनीय टिप्पणी आजम खान जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को शोभा देती है या आजम खान सठिया गए हैं? कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपसे राय लेना। आपकी राय क्या है आजम खान के इन अमर्यादित बयानों, इन बिगड़े बोल पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम आपको लोकसभा का वो वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारे रोजाना के ताजा अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? उधर मत देखिए मुझे, आप इधर बात कीजिए। मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो? आजम खान जी, आजम खान जी, आप बहुत वरिष्ठ, तू इधर उधर की ना बात कर, आपका क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है, बता के ये शब्द वापिस ले लीजिए, ये ठीक नहीं, ये शब्द जो आपने बोला वो ठीक नहीं है, वापिस ले लीजिए। माननीय सांसद महोदय को सुना है, उनका उस हाउस का, इस हाउस का लंबा अनुभव है, विधानसभा उत्तर प्रदेश का भी अनुभव है, वहाँ वो वजीर भी रहे हैं। सदर को, चेयर को कैसे एड्रेस करते हैं उनको अच्छी समझदारी है, और जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है, एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द का प्रयोग माफी मांगनी चाहिए, सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, गलत है, नो, ये भाषा मत बोलिए, प्लीज, नहीं मैडम, नहीं प्लीज, नो, ये सदन है, कोई भी माननीय सदस्य के प्रति इस तरीके की बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। माननीय सदस्य आप बैठिए,
माने सदस्यगण, शेर की गरिमा बनाना मुझे और बाकी लोगों को इस सदन उस आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ, वो भी एक महिला हमारी जो माननीय सदस्य प्रेजाइड कर रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है सर। उनको माफी मांगना चाहिए मिनिमम, ये मैं आपसे अपील करूंगा। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी बैठ जाइए माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना आपको। हाँ माननीय सदस्य प्लीज आप भी बैठ जाइए। इस विषय में कुटिलता झलकती है और भाव बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है चेयर के प्रति। इसलिए शब्दों का प्रयोग और ये उन्होंने पहले तो उन्होंने टोका नकवी साहब को कि वो कहां चले गए, इधर उधर की बात, तो उन्होंने कहा इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। तो ये आसन कहता ही है, जब उन्होंने वो जो दूसरा शेर पढ़ा वो ठीक नहीं था, माफी मांगनी चाहिए आप एक सम्मान के लिए। मैं अब आप बोलिए सर। इन्होंने कहा कि जब वो आप इनसे अलग बात हो तो बोलना सर, रिपीटेशन मत करना। रिपीटेशन नहीं करो सर। जब दानी साहब बोल रहे थे उन्होंने मुझे ये शब्द दोहराते हुए शर्म आ रही है, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सबके सामने कहा गया। आप मत दोहराओ। उन्होंने कहा कि अपने घर पे ये महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, हमको क्या सिखाएंगे। इसके बारे में हमने बोला कि ये गलत शब्द है। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए और अगर इधर से पूरे मिल करके ये बदतमीज कहेंगे क्या? नो बदतमीज नहीं बोल सकते। कैसे कह सकते हैं ये? कैसे कह सकते हैं ये? मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। ये इतने तमीज की वाले लोग हैं क्या? माने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द हो तो हम अभी इस्तीफा देते हैं। तो क्या आपने उसके भाई हमसे नहीं कहा? अरे हमने कहा अगर एक शब्द भी अनपार्लियामेंट्री का है तो हम अभी इस्तीफा देते हैं। अरे क्या बच, अरे क्या बच गया? अरे क्या, अरे आपको माफी मांगना चाहिए था। अरे भाई किसी ने नहीं कहा, जबरदस्ती हमसे करोगे तो। दोस्तों कमेंट करके अपनी राय पूरे देश को जरूर बताइएगा कि क्या आजम खान जैसे लोग इस देश की संसद में रहने लायक हैं। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV।